हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस लिंक्डइन सीरीज में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं। आज का हमारा लिंक्डइन सीरीज में हमारा टॉपिक है कि आप किसी को, आपके जो कनेक्शन है उसमें से किसी को रिमूव करना है, किसी को अनफॉलो करना है, किसी को ब्लॉक करना है, तो वो कैसे करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा क्यों करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँगा। फ्रेंड्स, हम लोग जब शुरू शुरू में लिंक्डइन अकाउंट चालू करते हैं और उस टाइम पे हमें बहुत कुछ लिंक्डइन के बारे में डू एंड डोंट्स पता नहीं होता है। कभी कभी हम क्या गलती करते हैं, किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं, किसी का भी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट बाद में जब हम लिंक्डइन सीख जाते हैं और हमें पता चलता है, और जब हम हमारा अकाउंट ऑप्टिमाइज करते हैं, उस टाइम पर अपने को लगता है कि मुझे मेरे निश के हिसाब से, मेरे इंडस्ट्री के हिसाब से, या इस कैटेगरी लोगों से मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाना चाहिए या उनसे मेरा कनेक्शन होना चाहिए। उस टाइम पे फिर आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि किसी को रिमूव करें कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं है, इनसे कनेक्शन रख के मुझे कोई मतलब नहीं है। या कभी कभी ऐसे भी होता है, बहुत सारे टाइम पे कोई अननेसेसरी आपसे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के आपसे कनेक्शन बना लिया और फिर बार बार आपको स्पैम करते रहे, यानी कुछ भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको भेजते रहे, फिर आप परेशान होते हैं कि इस इंसान से मुझे कनेक्शन रख के कोई मतलब नहीं है। ऐसे केस में आपको, अगर किसी को आपको अनफॉलो करना है, किसी को रिमूव करना है, किसी को ब्लॉक करना है, वो कैसे करें, ये मैं आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर में बताऊंगा। बट आपको ये ध्यान रहे कि आप किसी को अगर रिमूव कर रहे हैं, किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, किसी को अनफॉलो कर रहे हैं, आप दोबारा सोच के समझ के करिए। किसी को भी ऐसे आप अनफॉलो या रिमूव या ब्लॉक मत करना। लिंक्डइन के गाइडलाइन से आप 1200 से ज़्यादा लोगों को आप अनफॉलो या ब्लॉक नहीं कर सकते। इसके लिए आप रैंडमली किसी को अनफॉलो या ब्लॉक ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और बाय चांस मान लीजिए कि किसी को आपने अनफॉलो कर दिए गलती से, या किसी को आपने गलती से ब्लॉक कर दिए, उसको अगर आप अनब्लॉक करना चाहते हैं, वो भी सिस्टम है लिंक्डइन पे, आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कम से कम 48 आवर्स वेट करना पड़ेगा। मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में बता दूंगा कि कैसे आप किसी को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो आज सीखेंगे कि हम कैसे किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या अनफॉलो कर सकते हैं। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो लिंक्डइन अकाउंट है उसमें आपको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि आप लॉगिन नहीं करेंगे तो आप ब्लॉक नहीं कर पाएंगे या रिमूव आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं लॉगिन कर लिया है, आपको यहाँ नहीं बताता हूँ कि कैसे लॉगिन करना है। देखिए, मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, मैं लॉगिन कर लिया है। अभी इसमें दो तरीका है। एक तो आपको यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप किसी का सर्च कर सकते हैं। अगर आप जिनको ब्लॉक करना या रिमूव करना चाहते हैं उनका नाम जानते होंगे, आपको याद होगा, तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे उनको आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजिएस्ट तरीका बताता हूँ। आपको यहाँ पे देखिए, होम बटन है, माई नेटवर्क है, जॉब है, आपको ये जो सेकंड है माई नेटवर्क, आपको यहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे ही आप देख पाएंगे कि आपके कनेक्शन में कौन कौन है। अभी माई नेटवर्क पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके जो कनेक्शन है, यहाँ पे देखिए कनेक्शन लिखा हुआ है, उस कनेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही आपके कनेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दिखाई देंगे कि आपके कनेक्शन में कौन कौन लोग हैं, उसका लिस्ट आप देख पाएंगे नेम और डिटेल्स के साथ। अभी यहाँ पे देखिए, मैंने मेरा कनेक्शन जैसे ही ओपन किया, ये सारे मेरे कनेक्शन में हैं। अभी ये देखिए, ये सारे मेरे कनेक्शन में हैं। अभी इसमें से मान लीजिए किसी का नाम हमें नहीं पता है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे नीचे नीचे जाके आपको देख सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें किसी को ब्लॉक करना है, मान लीजिए कि हम XYZ किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं। अभी हम इसको ब्लॉक करना चाहते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे बाद में इसको अनब्लॉक भी करना पड़ेगा। आपको जस्ट लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूँ। पहले उसके प्रोफाइल पे आपको जाना पड़ेगा। दो तरीका है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए जो तीन डॉट है, इसमें आप रिमूव कनेक्शन करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये एक शॉर्ट तरीका है, यहाँ पे रिमूव कनेक्शन करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। बट आपको और एक तरीका बता रहा हूँ। पहले तो आपको उसको प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पे आपको उसके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही आप उनके प्रोफाइल पे क्लिक किए,
उनके यानी जिनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं, ऐसा उनका प्रोफाइल ओपन हो गया। आप नीचे देख सकते हैं इस टाइप के प्रोफाइल ओपन हो गया। और जैसे ये प्रोफाइल ओपन हो जाता है, आपको यहाँ पे मोर जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मोर के ऊपर आप क्लिक करके थोड़ा सा आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मोर के ऊपर क्लिक किया। सो मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए अनफॉलो लिखा हुआ है, यहाँ पे रिमूव कनेक्शन लिखा हुआ है। अगर आपको वो स्पैम कर रहे होंगे, आप उनको रिपोर्ट करना चाहते हो, ब्लॉक करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन है। मतलब ये एक ही जगह पे आप आइदर उनको रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप उनको अनफॉलो कर सकते हैं, या फिर आप उनको रिपोर्ट करके ब्लॉक कर सकते हैं। ये क्या करना है आपके ऊपर है। सो ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपको अनफॉलो, रिमूव या ब्लॉक कैसे करना है। आपको ब्लॉक तब करना है जब आपको परेशान करते होंगे, आपको स्पैम करते होंगे, उस केस में। अदरवाइज आप यहाँ पे अनफॉलो या रिमूव कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम रिमूव करते हैं, सी यहाँ पे हम उसको रिमूव कनेक्शन करते हैं, तो देखिए कनेक्शन रिमूव लिख दिया। यहाँ पे अगर हम अनफॉलो करते हैं, ये देखिए ये अनफॉलो लिख दिया, कनेक्शन रिमूव अनफॉलो लिख दिया। बट हमें, मैं इसको ब्लॉक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे कोई स्पैम ये नहीं किए हैं, तो ब्लॉक नहीं करना चाहता हूँ। सो ये जो तरीका मैंने आपको बताया, आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको माई नेटवर्क्स पे जाना है। जैसे आप माई नेटवर्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो कनेक्शन लिखा हुआ है उस कनेक्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप कनेक्शन के ऊपर आप क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए मैंने कनेक्शन के ऊपर क्लिक किया और ये सारे मेरे कनेक्शन आ गए। और किसी का भी हम ब्लॉक करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके प्रोफाइल के ऊपर हमें क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप मोर करते हैं, यहाँ पे देखिए मोर करने के बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ जाता है। फिर इसमें से आपको अनफॉलो रिमूव जो करना है आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना आसान तरीका है, एकदम सिंपल स्टेप है। आप इस स्टेप को फॉलो करके आप किसी को रिमूव, अनफॉलो या फिर आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। बट जैसे मैंने पहले बताया था, आपको किसी को ब्लॉक करने से पहले 2 बार 4 बार आपको सोचना चाहिए। रैंडमली आप ऐसे किसी का कनेक्शन एक्सेप्ट मत करना, और रैंडमली किसी को ब्लॉक करना अच्छा बात नहीं है। बट लिंक्डइन की तरफ से ये बात अच्छा है कि किसी को पता नहीं चलेगा आपने बाई चांस ब्लॉक किए तो। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा, ये टिप्स काम में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक्स करना मत भूलना। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट्स करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, बिकॉज़ मैं इस टाइप के जो टेक्निकल वीडियो मैं फ्री में बनाता रहता हूँ। और अब बाई चांस आपको आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टार्टअप हो, और आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आपको नॉलेज नहीं है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आप आपके बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, डिजिटली आप आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए हम R&D Digital हम फ्री कंसल्टिंग करते हैं। आपको बाई चांस हमारे फ्री कंसल्टिंग का ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में लिखना, हमारे टीम मेंबर आपको डेफिनेटली कॉल बैक करेंगे। सो आपको कोई चार्ज देने का जरूरत नहीं है, आप हमारे R&D Digital को सब्सक्राइब करिए और हमारे एवरी वीडियो आप देखते रहिए। बेल आइकन दबाना आप प्लीज़ मत भूलना, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी जाके हमारे सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ आपको इस टाइप के नए नए वीडियो मैं देता रहूं। आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, आप आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड, या अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको कहीं दिक्कत आ रहा है, वो भी आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको सलाह देंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही आप आपको खुद को अपग्रेड करते रहिए, बिकॉज़ लर्निंग जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हमें आगे ग्रो करना है, कंपनी को आगे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हमें लर्निंग करना पड़ता है और खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। ऐसे ही आपका प्यार देते रहिए, ऐसे ही आप R&D Digital को देखते रहिए, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आप लोग के इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। गुड डे।